हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिनाकल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। मेरा नाम नीरू है और आज मैं आपके सामने इंग्लिश के लिए ट्रिक्स एंड टिप्स लेकर हाजिर हूँ। इंग्लिश के लिए मुझे बहुत से स्टूडेंट्स लिखते हैं, मैम इसकी कोई ट्रिक है, कोई टिप है। बहुत सारे मेल्स आते हैं और उसमें जो मैं स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करती हूँ, मुझे यही पता चलता है कि स्पॉट द एरर इन द सेंटेंस, जो कि अधिकतर एग्जाम्स में आता है, एसएससी सीजीएल में टायर वन में कम से कम 3 अप टू 5 मार्क्स का आता है, टायर टू में तो इसके 20 क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि आपको ये ठीक से करना आए। और अधिकतर स्टूडेंट्स से जो मैं बात करती हूँ, जो अच्छे स्टूडेंट्स भी होते हैं, वो कहते हैं कि हमारे 5 में से केवल 3 ठीक होते हैं, 20 में से हमारे जो स्कोर होता है वो 12-13 के आसपास होता है। अब जब इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन है, जब बी टेक्स, एम टेक्स, बी कॉम, नेट क्वालिफाइड सभी एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं, यहाँ तक कि आईएएस का एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स भी एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं, तो 20 में से 12-13 नंबर लाने से या 5 में से 3 लाने से बिल्कुल नहीं चलेगा। और स्पॉट द एरर इन द सेंटेंस का ही एक चेंज्ड वर्जन जो है वो है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। स्पॉट द एरर इन द सेंटेंस में तो आपको एक सेंटेंस दे देंगे, उसके 4 पार्ट्स होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ एरर कहां है। और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या होता है कि एक सेंटेंस दे देंगे और आपको एक पार्ट हाईलाइट कर देंगे, अंडरलाइन कर दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आपको जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं क्या वो एक बेटर ऑप्शन है, क्या सेंटेंस में इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। तो अगर हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी देखें, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पर आपके क्वेश्चंस कभी कभी कम, कभी कभी ज्यादा, पर आते जरूर हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी कम से कम 10 मार्क्स का आता है टायर 2 में। तो ओवरऑल स्पॉट द एरर इन द सेंटेंस और सेंटेंस इंप्रूवमेंट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एसएससी सीजीएल क्लियर करने में। और ये तभी क्लियर होगा जब आप मेहनत करेंगे, सभी ट्रिक्स एंड टिप्स को याद रखेंगे और अपने दिमाग से ये निकाल देंगे कि इंग्लिश तो इंप्रूव होती ही नहीं है। इंग्लिश 101% इंप्रूव होती है, नंबर एक बात। और नंबर दो, अगर इंप्रूव नहीं होती है तो आप टायर टू में तो जाकर अटक ही जाएंगे। टायर वन में डेफिनेटली चलिए आपका मैथ्स अच्छा है, आपकी रीजनिंग अच्छी है, जीके आपका एवरेज है, टायर टू में तो आपको इंग्लिश को फेस करना ही पड़ेगा। अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैथ्स अच्छा नहीं है, तो डेफिनेटली आप आगे जाकर कहीं ना कहीं जरूर अटक जाएंगे। तो आप इंग्लिश से भागे नहीं, मेरे साथ साथ करें। और अच्छी बात यह है कि एसएससी अपने क्वेश्चंस काफी बार रिपीट कर देती है। यही कारण है कि मैंने ये जो प्रेजेंटेशंस बनाई हैं, जिसके अब मैं टोटल आपके साथ 20 पार्ट्स करूंगी केवल स्पॉट द एरर में, उसमें मैंने काफी सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी डाले हैं। अगर मैं आपको एक सेंटेंस में बताती हूँ कि इसमें आपका जो एरर है वो नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो ही लगना है, तो हो सकता है सेंटेंस में कुछ एक शब्द इधर उधर हो जाए, लेकिन आपका जो क्वेश्चन आए वो नॉट ओनली और बट ऑल्सो वाला ही आए। अब क्योंकि स्टूडेंट्स ने मुझे कहा है कि मैम आप स्पॉट द एरर पर एक सीरीज बनाइए, मैंने आपके लिए पूरी सीरीज बनाई है जिसके 20 पार्ट्स होंगे और ये पार्ट 1 है। और जो क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं वो भी वैरायटी क्वेश्चंस हैं। अगर एक सीरीज है जिसमें एक सेंटेंस अबाउट एरर, नाउन रिलेटेड एरर है, तो दूसरा रिलेटेड टू एडजेक्टिव है, तीसरा रिलेटेड टू प्रेपोजिशन है, चौथा इडियम से रिलेटेड है, आप ये सभी कीजिए, आप सभी कीजिए, क्योंकि आजकल एक एक नंबर से बहुत फर्क पड़ रहा है, बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिशन है। और मैं अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को देखती हूँ जो मुझसे आकर कहते हैं मैम एक नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए। डेफिनेटली मैं नहीं चाहूंगी कि मेरा कोई भी स्टूडेंट जो है वो एक या क्या आधे नंबर से भी रह जाए। तो आप प्लीज मेहनत कीजिए, हम भी यहां मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए पूरी सीरीज बनाई है पिनाकल टीम ने। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। द सेम लेक्चर इज इन इंग्लिश मीडियम also for all those students who wish to watch it in English, please go for that। और स्पॉट द एरर इन द सेंटेंस करने से पहले जो हमारे ऑनलाइन बैच के स्टूडेंट्स हैं, डेफिनेटली गो थ्रू ऑल द स्टडी मटेरियल जो आपको भेजा गया है, जो वीडियो लेक्चर्स आपको भेजे गए हैं, क्योंकि हमारे कुछ एक ही लेक्चर्स जो हैं वो पब्लिक डोमेन में है, बाकी सारा प्राइवेट डोमेन में है। पब्लिक डोमेन में आपके पास जो है पीडीएफ वगैरह नहीं है, तो जो हमारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन बैच के स्टूडेंट्स हैं वो डेफिनेटली अपना सारा मटेरियल देखें, अच्छे से उसको करें और उसके बाद ही ये वीडियो लेक्चर जो स्पॉट द एरर इन द सेंटेंसेस के बारे में है ये भी देखें। शुरुआत करते हैं फर्स्ट सेंटेंस से। फर्स्ट सेंटेंस कहता है, इन अ वेरी हार्श टोन ही शाउटेड ऑन हिज सर्वेंट्स फॉर नॉट बीइंग देयर एट द एयरपोर्ट टू रिसीव हिम व्हेन हिज फ्लाइट अराइव्ड। इस सेंटेंस में हमारा जो एरर है प्रेपोजिशन से संबंधित है, प्रेपोजिशन से संबंधित है ये। और इसमें क्या एरर है, एरर ये है कि शाउट के साथ ऑन नहीं लगाते हम,
जब हम किसी इंसान पर चिल्लाते हैं, शाउट के बाद कोई पर्सन है, या तो कोई नाउन है या फिर कोई प्रोनाउन है, या तो कोई संज्ञा है या सर्वनाम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं, द प्रिंसिपल शाउटेड डैश द स्टूडेंट। ये बहुत ही कॉमन एरर है। ट्रिक क्या है, टिप क्या है? ट्रिक ये है कि जब किसी इंसान का नाम आता है शाउटेड के बाद, तो बीच में और नहीं लगता, बीच में एड लगेगा। द प्रिंसिपल शाउटेड एट द टीचर, द टीचर शाउटेड एट द स्टूडेंट, द लेडी शाउटेड एट द वॉचमैन। तो शाउटेड ऑन नहीं होगा, शाउटेड एट होगा। एरर मेरा पार्ट ए में है, और एरर जो है वो प्रेपोजिशन से संबंधित था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू, द ट्रैफिक इन द मेट्रोज हैव बिकम हैवी एंड अनकंट्रोलेबल इन द रीसेंट ईयर्स एज द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड्स हैज डबल्ड इन द लास्ट 5 years। ये मेरा सेंटेंस है। यहां पर ये पार्ट ए है, यहां पर यहां तक ये मेरा जो है ये पार्ट बी है, ये पार्ट सी है, और फाइनली पार्ट डी, नो एरर। पार्ट डी इज नो एरर। अब इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखें, और मैं आपसे पूछूं कि आप जरा मुझे बताइए कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट का मतलब होता है वाक्य में बात किसके बारे में की जा रही है। सेंटेंस का सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना बेहद महत्वपूर्ण है। सब्जेक्ट अगर मेरा सिंगुलर है, एक वचन है, तो वर्ब भी सिंगुलर या एक वचन होनी जरूरी है। अगर सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही होगी। अब इस सेंटेंस में अगर हम देखें, ट्रैफिक इन द मेट्रोज हैव बिकम हैवी एंड अनकंट्रोलेबल, हम किस बारे में बात कर रहे हैं? फर्स्ट ग्लांस जब आप मारेंगे इस सेंटेंस पर, जब आपकी पहली नजर पड़ेगी, आपको लगेगा शायद हम मेट्रोज के बारे में बात कर रहे हैं, पर हम मेट्रोज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ट्रैफिक के बारे में। और ट्रैफिक क्या है? ट्रैफिक जो है मेरा सिंगुलर है। काफी बार आपको इस तरह के सेंटेंसेस दे देते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको सेंटेंस दे देंगे, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश। हम किस बारे में बात कर रहे हैं? स्टूडेंट्स कहते हैं मैम मार्क्स के बारे में बात कर रहे हैं। हम मार्क्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं परसेंटेज के बारे में, जो सिंगुलर है। अगर मैं कहूं द बास्केट ऑफ एप्पल्स एंड बनानास, तो मैं बनानास और एप्पल्स के बारे में बात नहीं कर रही हूं, मैं बास्केट के बारे में बात कर रही हूं। सिमिलरली यहां मैं ट्रैफिक के बारे में बात कर रही हूं, मेट्रोज के बारे में नहीं। तो ट्रैफिक क्या है? ट्रैफिक सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ मुझे हैव नहीं लगाना, सिंगुलर के साथ तो हैज लगता है, हैव प्लूरल है। तो एरर मेरा पार्ट ए में है, और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब अग्रीमेंट का एरर था। पहले वाले में प्रेपोजिशन का एरर था, सेकेंड वाले में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का। क्वेश्चन नंबर थ्री, दिस हैपेंड जस्ट एग्जैक्टली 5 years ago when I was the president of the students union in college। अब कभी कभी sentences में से अगर हम एक दो शब्द हटा दें तो sentence के meaning पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे for example अगर आप देखें, मैं आपसे कहूं I came back, sorry, I returned back on Monday। अगर आप ये सेंटेंस ध्यान से देखें, अगर मैं इसमें से बैक हटा दूं तो भी मेरे सेंटेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिटर्न्ड का मतलब ही है लौटना, मुझे बैक लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह के जो शब्द होते हैं जो सेंटेंस में अननेसेसरीली लगे हुए हैं और उनके बिना भी सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलता, उन्हें हम कहते हैं सुपरफ्लुअस एरर्स। यहां पर जस्ट की आवश्यकता नहीं है, दिस हैपेंड एग्जैक्टली 5 years अगो से भी सेम मीनिंग कन्वे होगा। एरर मेरा पार्ट ए में है, और किस प्रकार का एरर है? सुपर फ्लुएस एरर है, यानी कि आप एक शब्द हटा सकते हैं, अननेसेसरीली लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर फोर, द डीपर वी गो इनटू द अर्थ हायर द टेम्परेचर। ये सेंटेंस अगर हम ध्यान से देखें, यहां पर दो एडजेक्टिव या विशेषण का प्रयोग किया गया है, और वो एडजेक्टिव और विशेषण क्या है? वो है हमारे डीपर और हायर। अगर एक सेंटेंस में दो एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल किया गया है और वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रिलेटेड है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली का मतलब क्या होता है, यानी कि दोनों में या तो वो सीधे सीधे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होती है, तो हमें उन दोनों के पहले ही द लगाना है।
आपने बहुत सी ग्रामर बुक्स में पढ़ा होगा कि एडजेक्टिव की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट, ये जो टॉलेस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले तो हमेशा आर्टिकल वे लगता ही है, पर कुछ एक सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पर कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी आर्टिकल वे का प्रयोग होता है, ये उनमें से ही एक है, जहां दो एडजेक्टिव लगते हैं वाक्य में दोनों कंपैरेटिव डिग्री के हो, तो उस परिस्थिति में दोनों आपस में संबंधित हो, क्योंकि जितने गहरे आप जाएंगे उतना ज्यादा तापमान होगा, तो गहराई का तापमान से संबंध है, तो ऐसी स्थिति में आपको दोनों कंपैरेटिव डिग्रीज के पहले द लगाना है जो यहां पर मिसिंग है, तो एरर मेरा पार्ट सी में है और यहां पर जो एरर है वो एडजेक्टिव का एरर है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ वन हैज पावर एंड मनी ही मिसयूजेस इट विदाउट थिंकिंग अबाउट मैनकाइंड एंड ह्यूमैनिटी एज अ होल, और पार्ट डी है नो एरर। यहां पर जो एरर है, एरर इज रिलेटेड टू प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम का एरर है। मैं आपको समझाती हूं कैसे। आपने इस प्रकार के कुछ सेंटेंसेस सुने होंगे, वन मस्ट वर्क हार्ड, या वन मस्ट रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, वन मस्ट लव हिज कंट्री। यहां पर ये जो वन शब्द है, वन शुड ड्राइव स्लोली, आपने इस तरह के शब्द सुने होंगे, सेंटेंसेस सुने होंगे। अब इस टाइप के सेंटेंसेस में वन का मतलब क्या है, वन का अर्थ क्या है, यहां पर वन का मतलब एक नहीं है, यहां पर वन जो है एक इंसान को, एक पर्सन को रेफर कर रहा है। जब वन शब्द किसी इंसान को, किसी पर्सन को रेफर करे, तो वन के साथ हमें वन सेल्फ लगाना है, वन के साथ हमें वंस लगाना है, हमें ही, हिज इत्यादि ये सब नहीं लगाने। इफ वन हैज पावर एंड मनी ही मिसयूजेस इट, ही इनकरेक्ट है, ही के स्थान पर मुझे वन का प्रयोग करना है। इफ वन हैज पावर एंड मनी, वन मिसयूजेस इट, एरर पार्ट बी में है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक हमने क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो बदला है आपके लिए, और ये पैटर्न इसलिए बदला गया है क्योंकि हाल ही के जो दिनों में एग्जाम्स हुए हैं उसमें पैटर्न इसी प्रकार का आया है। हम आपको पूरा एक्सपीरियंस देना चाहते हैं जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए पिनाकल टीम ने ये पैटर्न बदला है। और इस नए पैटर्न में क्या है कि आपको एक इस तरह से सेंटेंस दिया जाता है, फिर उस सेंटेंस को ही चार टुकड़ों में इस तरह से डिवाइड किया जाता है, और डी नेसेसरी नो एरर नहीं है, नो एरर कोई भी पार्ट हो सकता है। जैसे यहां देखिए आप, द मैन इज वाइल्ड बाय नेचर एंड ही लव्स एडवेंचर, यहां पर ही लव्स एडवेंचर, नो एरर, बाय नेचर एंड द मैन इज वाइल्ड, ये जो सेंटेंस है क्या ये एक जनरल फैक्ट है, ये केवल एक तथ्य को बयान कर रहा है, किसी विशेष के बारे में बात नहीं कर रहा है। अगर मैं ऐसे कहती हूं द मैन ऑन द रोड, तो क्या मैं किसी विशेष की बात कर रही हूं, या मैं कहूं द मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माई सेंटर, अगर मैं कहती हूं द मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माई सेंटर, तब तो मैं किसी एक विशेष इंसान की बात कर रही हूं, तो ये एक जनरल स्टेटमेंट नहीं है, ये एक स्पेसिफिक, एक निश्चित के बारे में है। जब मैं एक जनरल स्टेटमेंट देती हूं, एक जनरल बात कहती हूं जो हर किसी पर लागू है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं लड़कों को खेलना पसंद है, या हाथी एक विशाल जानवर है, गाय हमें दूध देती है, ये मैं जनरल स्टेटमेंट दे रही हूं हर किसी के बारे में। लेकिन अगर मैं कहती हूं मेरी गाय बहुत दूध देती है, तो वो स्पेसिफिक है, वो निश्चित है, वो डेफिनेट है, वो किसी विशेष के बारे में बात कर रहे हैं हम। जनरल स्टेटमेंट्स में आप ध्यान दीजिए, जनरल स्टेटमेंट्स में जो सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, उसके पहले ए, एन और द का प्रयोग होता है। मैं कहूंगी अ काउ गिव्स अस मिल्क, या द काउ गिव्स अस मिल्क, ठीक है। लेकिन जनरल स्टेटमेंट में अगर आपका सब्जेक्ट मैन या वुमन है, उसके पहले ए, एन या द का प्रयोग नहीं होता। ये एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शंस आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि एक्सेप्शन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं। ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि जनरल स्टेटमेंट में मैन और वुमन के पहले द का प्रयोग न करें, जो यहां पर किया हुआ है, द मैन इज वाइल्ड बाय नेचर, तो ये गलत हो गया। मुझे सिंपली कहना है मैन इज वाइल्ड बाय नेचर, और ये वाला पार्ट कौन से पार्ट में है, ये वाला पार्ट यहां है पार्ट डी में, तो एरर मेरा पार्ट डी में है। क्वेश्चन नंबर 7, यहां पर
सेंटेंस है, आई हैव मेनी वर्क्स टू कंप्लीट बिफोर आई गो ऑन द वेकेशन। यहां पर एरर नाउन या संज्ञा से संबंधित है, ठीक है। दो शब्द लेती हूं मैं आपके लिए, एक है वर्क और एक है वर्क्स। वर्क्स का मतलब होता है रचनाएं। किसकी रचनाएं? किसी संगीतकार की रचनाएं, किसी लेखक की रचनाएं, किसी पेंटर की रचनाएं। ये क्या है? ये आप कह सकते हैं कि ये रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाएं हैं, राइट। वर्क का मतलब होता है काम, वो काम जो हम रोज करते हैं। मैं अपने दफ्तर में बहुत काम करती हूं, आई डू अ लॉट ऑफ वर्क इन माई ऑफिस। अगर मैं अ लॉट ऑफ भी लगाती हूं तो मैं वर्क का वर्क्स नहीं बनाती, क्योंकि वर्क्स बनाते ही मीनिंग ही बदल जाएगा, उसका मतलब हो जाएगा रचनाएं। तो ये जो शब्द है वर्क, इसका बहुवचन नहीं बनता है। अगर मैं कहना चाहती हूँ बहुत सारा काम तो मैं कहूंगी अ लॉट ऑफ वर्क। अगर मैं केवल एक काम की बात कर रही हूं तो मैं कहूंगी अ सिंगल पीस ऑफ वर्क, एन अर्जेंट वर्क, आई हैव एन इंपॉर्टेंट वर्क। इसका मतलब हम एक काम की बात कर रहे हैं। यहां पर हमने वर्क्स लगाया जबकि मैं बात कर रही हूं रोजमर्रा के काम की, तो यहां पर वर्क्स ना होकर वर्क होगा। और ये वाला पार्ट कौन से पार्ट में है? ये पार्ट ए में है। तो आई हैव मेनी वर्क्स गलत है, एरर पार्ट ए में है। क्वेश्चन नंबर 8, माय हाउस इज लोकेटेड ऑन एन आर्म्स लेंथ फ्रॉम माय स्कूल, सो आई एम नेवर लेट। ध्यान दीजिए, माय स्कूल इज लोकेटेड ऑन एन आर्म्स लेंथ फ्रॉम माय स्कूल, सो आई एम नेवर लेट। यहां पर जो एरर है, एरर जो है वो ईडीएम एंड फ्रेजेस में आता है। ईडीएम एंड फ्रेजेस में हमारे बहुत सारे लोकतंत्र और मुहावरे होते हैं। इसकी भी मैंने आपके लिए ईडीएम्स एंड फ्रेजेस की पूरी एक सीरीज बनाई हुई है, अल्फाबेट ए से लेकर अल्फाबेट जेड तक, जिसमें 60 से ज्यादा लेक्चर्स हैं, आप वो जरूर देखिए। यहां पर दिया हुआ है आपको ऑन एन आर्म्स लेंथ, इनकरेक्ट है ये। इसकी हिंदी है एक हाथ की दूरी बनाना, एक हाथ की दूरी बनाना, सॉरी, एक हाथ की दूरी पर। एक हाथ की दूरी पर का मतलब होता है बहुत करीब। अरे वो हॉस्पिटल तो मेरे ऑफिस से बस एक हाथ की दूरी पर है, हम ऐसे बातें करते हैं, बहुत करीब। यहां पर ऑन एन आर्म्स लेंथ होता है एट एन आर्म, यहां पर माई हाउस इज लोकेटेड ऑन एन आर्म्स लेंथ आपको दिया हुआ है, ऑन एन आर्म्स लेंथ गलत है, एट एन आर्म्स लेंथ होगा। तो ऑन के स्थान पर एट का प्रयोग करें, एरर पार्ट ए में है। माय हाउस इज लोकेटेड एट एन आर्म्स लेंथ। आजकल इस तरह के भी एरर्स आ जाते हैं एसएससी के एग्जाम में, हर कोई है आजकल, एवरीबॉडी इज गिविंग द एग्जाम, तो इसलिए लेवल ऑफ कंपटीशन भी टफ है। यहां पर एरर जो है ईडियम्स एंड फ्रेजेस का एरर है। क्वेश्चन नंबर 9, The teacher asked me to look through the meaning of the word in the dictionary. To look through the meaning part A of the word in the dictionary, part B, C, no error, the teacher asked me. यहां पर जो एरर है phrasal verb का एरर है, phrasal verb का एरर है। Look through गलत होता है, look through is wrong, it's incorrect। हमें look through के स्थान पर इस्तेमाल करना है look up। लुकअप हम उन स्थानों पर इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी शब्द का मीनिंग डिक्शनरी में, शब्दकोश में, विकिपीडिया वगैरह पर ढूंढ रहे हो, आप रेफर कर रहे हैं। मैंने आपके लिए फ्रेजल वर्ब की भी एक पूरी सीरीज बनाई है, ए टू जेड पिनाकल टीम की ओर से आपके लिए एक पूरी सीरीज है, जो हिंदी भाषा में भी है, इंग्लिश लैंग्वेज में भी है। अगर आप एक भी नंबर नहीं गवाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको बेस्ट टू बेस्ट रैंक मिले, अच्छी पोजिशन मिले सीजीएल में, आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं। यहां पर हमने लुक थ्रू का इस्तेमाल किया है जो गलत है, हमें इस्तेमाल करना है लुक अप। फ्रेजल वर्ब्स क्या है? फ्रेजल वर्ब्स जब भी आप किसी वर्ब के साथ कोई अलग प्रेपोजिशन लगाते हैं, जैसे लुक अप, लुक इनटू, लुक अक्रॉस, तो उस शब्द का मीनिंग ही बदल जाता है। यहां पर लुक थ्रू गलत है, हमें यूज करना है लुक अप, तो एरर मेरा पार्ट ए में है। क्वेश्चन नंबर 10, ये इस प्रेजेंटेशन का लास्ट सेंटेंस है, देखते हैं। He has been living with his parents since he has lost his job. A, with his parents. B, no error. He has been living. C, since he lost his job. Part D. ध्यान दीजिए, ट्रिक क्या है? हमारी ट्रिक ये है कि सिंस जो है ये पास्ट में ही यूज होती है। सिंस का मतलब होता है पास्ट में कोई टाइम, तब से लेकर अब तक। जैसे मैं कहूं I have been teaching since 2007. 2007 से मैं पढ़ा रही हूं, अभी तक भी पढ़ा रही हूं, मैं बोलते समय तक। तो
तो सिंस का संबंध सीधे पास्ट से है। जब भी किसी सेंटेंस में सिंस का प्रयोग किया गया है सेंटेंस के पीछे वाले हिस्से में, ध्यान दीजिए, ट्रिक ध्यान रखना आप, सिंस का इस्तेमाल पीछे वाले हिस्से में किया गया है और उसके बाद किसी घटना का जिक्र है, जैसे यहां पर जिक्र है कि जब से उसकी नौकरी गई, ये कोई घटना है, कोई इंसिडेंट है, तो ये जो घटना है ये हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में ही होगी और कोई टेंस नहीं हो सकता। मैं कहूं कि वो मुझसे तब से नहीं मिला जब से उसकी नौकरी गई, जब से वो अमेरिका गया है उसने मुझे फोन नहीं किया, ये घटनाएं पास्ट की ही है, तो सिंस के बाद सिंपल पास्ट का प्रयोग होगा। और इस वाक्य में हमने प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग किया हुआ है, हैज हटाना है मुझे, हैज को ड्रॉप कीजिए, तो ये वाला पार्ट कहां है, ये पार्ट डी में है, एरर मेरा पार्ट डी में है। प्लीज रिमेंबर सिंस के बाद सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होगा अगर सिंस जो है वो सेंटेंस के लैटर पार्ट में है तो। और इसी के साथ हमारी ये प्रेजेंटेशन खत्म होती है। मैं आपके लिए टोटल 20 पार्ट्स बनाऊंगी और उसमें बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस कवर अप करूंगी आपके लिए, ताकि आप इस सेक्शन में कंफर्टेबल हो जाएं। जो चीजें आपको नहीं आती उनको इग्नोर ना करें और ये ना सोचें कि ये तो ऐसा ही रहेगा, नहीं, 101% इंप्रूव होगा, 101% इंप्रूव होगा, बशर्त आप मेहनत करने के लिए तैयार हो। जो ट्रिक्स एंड टिप्स आपको बताई जा रही हैं उनको आप ध्यान में रखें, तो हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क दोनों करें। पिनाकल टीम की तरफ से आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, और पार्ट टू में मेरी आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।